नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आपका जो मेरा चैनल है मुक्ता ज्योतिष में आपका स्वागत करती हूं। अब मैं आज आपको यहां पर कि घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा कैसे करना चाहिए और कौन सी लक्ष्मी नारायण जो हैं मूर्ति जो है लक्ष्मी नारायण की है वह घर में रखना चाहिए। सर्वप्रथम तो लक्ष्मी नारायण जिनकी पूजा करने से घर में सुख संपत्ति संतान वृद्धि संतान की रक्षा सारे कार्य होते हैं, कार्य व्यापार ठीक चलता है, ऐसे लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव सब पर बनी रहती है। तो लक्ष्मी नारायण की, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की पूजा करने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से पहले हमें भगवान श्री गणेश का पूजन करना चाहिए। फूल धूप अक्षत गंध जल से स्नान कराने के बाद हमें जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा शुरू करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को स्नान कराने के बाद आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं और पवित्र जल से भी स्नान आप करवा सकते हैं। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य आरती तिलक ये सारी चीज़ें घी का दीपक ये आदि से भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम लक्ष्मी नारायण अभ्याम नमः इस मंत्र से रोज लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि बनी रहती है और सदैव घर में जो है लक्ष्मी जब भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं, जो आप वीडियो में फोटो देख रहे हैं, इस प्रकार की मूर्ति हमारे घर में सदैव रख करके इनकी आराधना करना चाहिए। ऐसे करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बरसती रहती है। तो जो आप वीडियो में देख रहे हैं यह मूर्ति आप अपने घर में रख करके प्राण प्रतिष्ठित करवा करके इसकी पूजा अवश्य करें और लक्ष्मी नारायण की पूजा में पीले फूल और तुलसा पत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, तभी जो पूजा रहती है वह संपन्न मानी जाती है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।